कोरोना का कहर लगातार जारी है। पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना अपने पांव बड़ी तेजी से पसार रहा है। देवरिया में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और पूरे गांव को सील कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मरीज जिले के रामपुर कारखाना क्षेत्र के विष्णुपुर कला गांव का रहने वाला है। जिला अधिकारी का कहना है कि ये 27 तारीख को मुंबई से एम्बुलेंस द्वारा मरीज के साथ आया था। ग्राम प्रधान ने इनको गांव के ही क्वारंटीन सेंटर में रखा था। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिला प्रशासन काफी सतर्कता बरतते हुए उसके ट्रेवल हिस्ट्री को खंगाल रहा है। साथ ही उसके परिजनों और मरीज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये इनका नाम हनीफ मंसूरी है और ये रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र गांव है विष्णुपुर कला, वहीं के रहने वाले हैं। उम्र इनकी 45 साल है और ये 27 तारीख को एक एम्बुलेंस में एक पेशेंट है उनके साथ ये आए थे। यहाँ टोटल 4 लोग थे और इनका 29 तारीख में जैसे ही अपने गांव में इन्होंने प्रवेश किया, वहाँ ग्राम प्रधान ने इनको जो गांव का क्वारंटीन सेंटर उसमें इनको रखा और उसी दिन इनके सैंपलिंग के लिए इनको यहाँ भेज दिया। आज सैंपल का रिपोर्ट आया है और उसमें ये पॉजिटिव पाए गए हैं। जो भी इनके निकटवर्ती लोग हैं जिनसे ये संपर्क में आए हैं, सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, पूरे गांव को सील कर दिया गया है और जो हमारा लेवल 1 हॉस्पिटल है वहाँ हम लोग इनको भेज रहे हैं और इनके जो भी निकटवर्ती लोग हैं उनका भी सैंपलिंग हम लोग कराएंगे और उनको क्वारंटीन में रखेंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीज को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। साथ ही उसके परिजनों और मरीज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवरिया से कुलदीप पाठक की रिपोर्ट।